हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है इंडाइजेशन, अपच, पेट का सही ना रहना और एसिडिटी और इस तरह की समस्याएं जो है 90 से लेकर 95% लोगों को होती ही रहती है रेगुलर बेसिस पे। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ जो अगर आप लेते हैं, यूज करते हैं तो आपकी ये समस्याएँ पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। आप जो भी खाएंगे आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे और आपकी बॉडी को जो भी खाएंगे वो लगेगा। सो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं वो बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि इंडाइजेशन, अपच, इस तरह की समस्याओं में बहुत अच्छा काम करता है। सो फ्रेंड्स, आजकल की लाइफस्टाइल, डाइट और इनएक्टिविटी, इन सब की वजह से डाइजेशन से जुड़े इश्यूज होना बहुत कॉमन बात है। बच्चे से लेके बड़े सभी इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो अनावश्यक घी, तेल, इन सब चीज़ों का सेवन ना कीजिए। बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड ज़्यादा ना खाइए। अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से कुछ फिजिकल वर्क, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। एकदम निष्क्रिय होकर मत बैठिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, आप जो भी खाएंगे पिएंगे वो आपको डाइजेस्ट होगा। तो ये बात हो गई जनरल कुछ मेजर्स की जो आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका डाइजेशन सही रहेगा। लेकिन अगर आप ये सब फॉलो करते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका डाइजेशन सही नहीं रहता है, आपको अपच हो जाती है। अगर आपने एक बार खाना खा लिया, चाहे थोड़ा ही खाना खाया, तो फिर आगे आपको पूरे पूरे दिन भूख नहीं लगेगी, मुंह का टेस्ट खराब रहेगा, कड़वापन रहेगा, कारें आएंगी, इरिटेशंस होएंगी, जलन होगी, पेट में दर्द होगा, पेट फूला रहेगा, अपच जैसी स्थिति बन जाएगी। तो ये सब प्रॉब्लम अगर आपको रेगुलर बेसिस पे लगी रहती है तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको दो होम्योपैथिक मेडिसिन लगेंगी। सबसे पहली जो दवा है वो है चाइना, जिसको हम सिनकोना बाग भी कहते हैं। इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। दूसरी दवा है याना ल्यूटिया भी कहते हैं, इसको भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। दवाइयों की पिक मैं यहाँ साइड में लगा दूंगी जिससे आपको इजी रहे। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दवाइयों के नाम दे दूंगी। तो ये दो दवाई आपको लाना है। 30-30 ml लीजिए। दोनों दवाइयों को मिक्स करके एक बोतल में स्टोर करके रख लीजिए। इन दोनों दवाइयों को आप खाना खाने के आधे घंटे बाद आधे कप पानी में 10-10 बूंद करके दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको भूख लगने लगेगी, आपकी जो एसिडिटी, अपच जैसी समस्याएं वो ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ आप जो भी खाएंगे पिएंगे वो आपके बॉडी में लगेगा, आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा। सो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप ज़रूर यूज कीजिएगा। इसके रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, या फिर किसी और मेडिसिन, किसी और डिजीज़ के बारे में आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।